नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले 3 महीने के अंदर होगी बीपीएससी की सभी लंबित परीक्षाओं का आयोजन। राजस्व विभाग कुल 2,745 पदों के लिए जल्द जारी करेगा वैकेंसी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। परिवहन मंत्री ने कहा, सत्ता में हमारे पार्टनर बदल गए हैं, काम नहीं। रोहित शर्मा ने शमी और बुमराह को लेकर दिया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगले 3 महीने के अंदर होगी बीपीएससी की सभी लंबित परीक्षाओं का आयोजन। बीपीएससी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल खबर यह है कि अगले 3 महीने में बीपीएससी की लंबित 13 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बीते दिन बीपीएससी ने संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी किए गए संशोधित कैलेंडर में रद्द की गई 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा भी शामिल है, जो कि 20 और 22 सितंबर को आयोजित होना है। साथ ही सहायक अभियंता सिविल लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसका विज्ञापन 2020 के 3रे, 7वें, 8वें और 9वें अलग अलग महीनों में निकाला गया था, इन परीक्षाओं का आयोजन अक्टूबर में होना है। इसके साथ ही ऐसे ही कुल मिलाकर 13 लंबित परीक्षाओं का आयोजन आगामी नवम्बर महीने तक किया जाएगा। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। राजस्व विभाग कुल 2,745 पदों के लिए जल्द जारी करेगा वैकेंसी। बिहार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही सभी मंत्री अपने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन नव निर्वाचित राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। प्रेस वार्ता में आलोक मेहता ने बताया कि राजस्व विभाग 2,745 पदों पर जल्द ही वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकालेगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि संविदा आधारित इन पदों में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 103 पद, कानूनगो के 257 पद, सबसे अधिक विशेष सर्वेक्षण अमीन के 218 पद, लिपिक के 145 पद और संविदा अमीन के 222 पदों पर बहाली होनी है। लालू यादव के दामाद को सरकारी बैठक में देख भाजपा ने कसा तंज। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच अब लालू यादव के दामाद विवादों में घिर गए हैं। दरअसल वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा बुलाई गई अधिकारियों की एक बैठक में लालू यादव के बड़े दामाद व मीसा भारती के पति शैलेश को देखा जा सकता है, जिसका एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल भी होना शुरू हो गया है। इसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, भाजपा इस पर सवाल खड़े कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट करते हुए तेज प्रताप पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। वहीं सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या बिहार में दामादों का सरकारी बैठकों में शामिल होना नहीं बल्कि संचालन की भी अनुमति मिल गई है। कम से कम लालू यादव के दामाद को तो अवश्य मिल गई है, कौन अधिकारी पूछने की हिम्मत करेगा। बिहार वासियों को आज आग उगलती गर्मी से मिली राहत। आज सुबह सुबह सूरज की तपिश ने राजधानी पटना सहित राज्य के कई क्षेत्रों में लोगों को परेशान किया, लेकिन जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान ने भी अपने भक्तों की सुन ली। आज के दिन खासकर निर्जला उपवास करने वाले लोगों को काफी राहत मिली, जब दोपहर को काले बादलों के बीच राजधानी पटना सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त यानी आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन इसके बाद प्रदेश में पहले जैसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल मानसून के महीने में कम हुई बारिश की वजह से भूजल स्तर भी कई क्षेत्रों का नीचे चला गया है। वहीं दूसरी ओर किसान अपनी फसल को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस बार धान की फसल कम हुई मानसूनी बारिश की वजह से बेहद प्रभावित हुई है। सृजन घोटाला में केपी रमैया समेत 9 के खिलाफ वारंट जारी। बिहार का बहुचर्चित सृजन घोटाला में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रमैया समेत 9 आरोपितों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। समन का तामिला कर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट विशेष अदालत में दाखिल कर दी। इसके बाद सीबीआई के वकील के अनुरोध पर अदालत ने आरोपित केपी रमैया समेत 9 के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। गर्भाशय घोटाले मामले में कोर्ट ने अभी तक की कार्रवाई का मांगा स्टेटस रिपोर्ट। बिहार के बहुचर्चित घोटालों में से एक गर्भाशय घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगले महीने की 6 तारीख तक मांगा है। बीते दिन जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वेटरन फॉर्म द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुछ नर्सिंग होम संचालकों ने बीमा का पैसा लेने के लिए कम उम्र की कई महिलाओं का गर्भाशय ही निकाल दिया था। इस मामले में 2015 में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
लालू यादव से मिलने के बाद प्रियंका को मिला अपना चाय का स्टॉल। बिहार की राजधानी पटना में चाय का स्टॉल लगाने वाले मशहूर ग्रेजुएट चाय वाले प्रियंका गुप्ता का स्टॉल बीते दिन नगर निगम वालों ने उठा लिया, जिसके बाद प्रियंका बीते दिन शाम को राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने उनके आवास पहुंची, जहां उन्होंने लालू यादव से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। लालू यादव से मिलने के बाद निगम के अधिकारियों ने प्रियंका को उनका ठेला वापस कर दिया है। दरअसल बीते दिन पटना के बोरिंग रोड इलाके में एसकेपुरी पार्क के पास नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसी दरमियान नगर निगम प्रियंका का स्टॉल उठाकर ले गई। सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री पर कसा तंज। बिहार की नई महागठबंधन सरकार लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। नीतीश सरकार के एक के बाद एक मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता सुशील मोदी ने अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लपेटे में लिया है। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कारतूस रखने के मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो शख्स एयरपोर्ट पर कारतूसों के साथ पकड़ा गया, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार लाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा, सत्ता में हमारे पाचर बदल गए हैं, काम नहीं। बीते दिन पटना के जदयू प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री, कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी और परिवहन मंत्री शीला मंडल शामिल हुई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जदयू के मंत्रियों ने कहा कि नए गठबंधन का फैसला मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला है, इसका पूरे देश में मैसेज जा रहा है। वहीं परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि सत्ता में हमारे पार्टनर बदल गए हैं, परंतु मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना 5.2 पर काम पहले की तरह ही जारी करेंगे। कौन क्या बोल रहा है वह जाने, वह चाहे जो भी बयानबाजी करे, पर वास्तव में जनता सब कुछ देख समझ रही है। छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार पर लोगों ने की चप्पल से धुनाई। हमारे सनातन धर्म में शिक्षकों को माता पिता ही नहीं बल्कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब शिक्षकों के छात्रों के साथ ऐसी अश्लील घटनाओं की खबर आती है तो ऐसी चीजें हमारे समाज को शर्मसार करती है। इस बीच एक मामला ऐसा आया है जहां एक शिक्षक का एक छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार करने की खबर है। घटना महुआ थाना क्षेत्र के देसरी रोड की है। यहां एक कोचिंग संचालक और दलित वर्ग की छात्रा ने यह आरोप लगाया है, जिसके बाद कोचिंग संचालक को पकड़ लिया गया है और रास्ते भर पीटते हुए महुआ थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। अपने डाक बंगले को इस्तेमाल में लाएगा पटना जिला परिषद। विभिन्न प्रखंडों में अपने डाक बंगलों को विकसित कर पटना जिला परिषद कमाई करने की तैयारी में है। दरअसल पटना जिला परिषद अपने पुराने डाक बंगले को नया रूप देकर किराए पर लगाने की तैयारी कर रहा है। इसमें कहीं मॉल तो कहीं मार्केट बनाए जाएंगे। वहीं जिन जगहों पर दुकानों का निर्माण अधूरा है उसे जल्द पूरा कराकर दुकानें किराए पर लगाने की योजना है। आपको बताते चले कि पटना जिला परिषद के पास इस समय लगभग 20 से भी अधिक डाक बंगले हैं। जिन डाक बंगले की स्थिति सबसे खराब है उनमें मोकामा, विक्रम, फतुहा, मसौटी, पालीगंज, बेहटा आदि शामिल हैं। वहीं बाज और बख्तियार डाक बंगले की स्थिति बेहतर है, वहां गेस्ट हाउस चल रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर। नई सरकार बनने के बाद प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री चर्चे में रहते हैं और विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसे ही कुछ विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सीएम पद से हटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल हाईकोर्ट में पटना की समाजसेवी धर्मशीला देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की है। रोहित शर्मा ने शमी और बुमराह को लेकर दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंडियन एक्सप्रेसवे से बातचीत में रोहित शर्मा ने कहा कि शमी और बुमराह का बैकअप तैयार करना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ये सभी खिलाड़ी हमेशा तो टीम के साथ रहेंगे नहीं, इसलिए आपको दूसरे प्लेयर को भी तैयार करना होगा। मैंने और कोच राहुल द्रविड़ ने इस बारे में बात की है, बेंच स्ट्रेंथ को कैसे तैयार करना है, क्योंकि जितना क्रिकेट हम खेल रहे हैं उसे देखते हुए ये काफी जरूरी है। आज दानापुर में हो रही है रिलेशनशिप बहाली। बिहार रेजिमेंट ने रिलेशनशिप बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया बीते दिन 18 अगस्त से खेलकूद कोटा के आधार पर बहाली किया जा रहा है। वहीं 19 से 25 अगस्त को अग्निवीर जेडी क्लर्क और ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए अभ्यर्थी को सुबह 4 बजे ही दानापुर स्थित भर्ती ग्राउंड में पहुंचना है। यहां ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता की जाँच की जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की ही मेडिकल जाँच होगी। देशभर में आए 10,000 से अधिक कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,754 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार
कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 136 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 55 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,02,608 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 146 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है महेश दास, मृत्युंजय कुमार, नुल्लू कुमार, शंकर मुखिया, लैला खातून, रंजित मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, कविता कुमारी, अंकेश कुमार, कुलदीप कुमार, देवेंद्र कुमार, सत्येंद्र शाह और मोहम्मद नौशाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इस साल मानसून में आपके क्षेत्र में आपके मुताबिक पर्याप्त बारिश हुई है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।